okay, so this is the informal kind of speech. I'm not using any paper or written kind of stuff. So fumble हो सकता है आप लोगों ने इसको feel ही करना. Okay. By the grace of Allah, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ और अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट कर रही हूँ. इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं दूंगी अपने पेरेंट्स को, सबसे पहले अपने फादर को, बिकॉज मैंने अपने फादर से यही सीखा है कि आपने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा. वो आज तक मेहनत कर रहे हैं, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, तो इसीलिए आज मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पे आई. एंड ऑफकोर्स मेरी मदर की ढेर सारी दुआएं जिनके बगैर का मैं अभी मुमकिन हो ही नहीं सकती. मेरे दोनों मामा पापा जो है उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी छोटी चीजें सिखाई हैं, हमेशा मेहनत के लिए मोटिवेट किया है. लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि मैंने आप लोगों को शायद ये सुनकर हैरत होगी कि मैंने कभी किसी बहुत बड़े स्कूल से पढ़ाई, मैंने गवर्नमेंट के एक सिंपल से स्कूल से पढ़ाई की है. लेकिन इतने नॉर्मल स्कूल में पढ़कर जब मुझे ये सुनने को मिलता था कि बेटा आपने मेहनत कर ली तो आप जहाँ चाहते हो ना वहाँ पहुँच जाओगे, तो मेरा एक ही एम था उस टाइम पे कि मैंने सीबी कॉलेज में एडमिशन लेना. मैट्रिक में मेरिट पे सीबी कॉलेज में एडमिशन लेना, मैट्रिक पास करके मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है. वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि बेटा इट्स ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, उर्दू मीडियम में पढ़ो, डजेंट मैटर, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट. तो ये जो उनकी चीज है ना, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ हिम. और आज मैं जहाँ हूँ वो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा 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 सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है. थैंक यू सो मच अम्मी जी, अबू जी. उसके बाद ऑफकोर्स ये जो आज आप मुझे देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक लाइफ पार्टनर जो सपोर्टिव लाइफ पार्टनर पॉसिबल है ही नहीं. जितनी भी अनमेरिड यहाँ बैठी है और मैरिड बैठी है उनको मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैरिड है ऑफकोर्स वो ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हस्बैंड की मोटिवेशन, उसका सपोर्ट कितना जरूरी है. और जो अनमेरिड है वो इसको सीख ले. हाँ जी, और आपने भी ऐसी सलाह दी है. कैसे दबा के रखना है. बिल्कुल, साहिल ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है. और जितनी ये इतनी लॉन्ग जर्नी थी ये मेरी, उसमें मैं बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाती थी कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना या मैं नहीं कर सकती, इनकी एक ही बात होती थी कि बीनी तुम कर लोगी, घर और बच्चे तुम छोड़ दो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम सिर्फ पढ़ाई करो. तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी, जिसे आंटी ने भी देखा हुआ है कि किस तरह चाहे लॉन्ड्री भी कर लेते हैं, किचन भी कर लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं, मैंने जो है दिन रात एक करके एक्चुअली में पढ़ा है और वो सिर्फ साहिल की वजह से. इसलिए आई एम वेरी लकी टू हैव हिम. थैंक यू सो मच मिस्टर. इसके बाद फर्स्ट मेरे भाई भाभी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं. और मेरे भाई की एक बड़ी मजेदार चीज है जो कभी उसने भी शायद फील नहीं की है, लेकिन मैं जब भी परेशान होती थी और ये कहती थी कि यार पता नहीं मेरा इस सेमेस्टर में क्या बनेगा, मैं पास होंगी कि नहीं, वो मेरा फिर मुझे की बात करता था यार ये टेंशन तुम क्यों लेते हो, तो तुम कर ही लो. तो ये जो ट्रस्ट था मेरे भाई का मेरे पे, ये मुझे इनडायरेक्टली बहुत मोटिवेट करता है. मेरी भाभी की मजे मजे की बातें और उनकी दुआएं, ऑफकोर्स वो मुझे हमेशा कहती थी नहीं बीनी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, टेंशन ना लो. थैंक यू सो मच. एंड इसके बाद साइमा आंटी आती है. टीचर इज ऑलवेज टीचर. एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. पढ़ाई में तो आप सीखते ही बहुत कुछ, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाई के अलावा भी होती हैं, जिनको सीखने के लिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है. एंड ऑफकोर्स जो आज आप मुझे इतना प्यारा से तैयार देख रहे हैं, ये जो ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी लेसन है ये मैंने साइमा आंटी से सीखे हैं और इनको मैं अपनी टीचर कंसिडर करती हूँ. हमेशा इन्होंने मुझे अच्छी बात सिखाई है, हमेशा अच्छे साथ बोला है. और जब जो मुझे एक जो माँ वाली फीलिंग होती जब मैं पेपर देने जाती थी, जैसे मेरी अम्मी मुझे ढेर सारी दुआएं बताती थी कि ये पढ़ के पेपर खोलना, सेम वैसी साइमा आंटी भी मुझे कहती थी. और उनकी जो फिक्र होती थी वापिस आओ बीनी पेपर कैसा हुआ, दैट वॉज अमेजिंग. मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कोई इतनी अपनाइयत से मुझसे पूछता था कि बेटा पास हो जाओगे, फिक्र नहीं करना, मुझे पता है तुमने अच्छा किया होगा, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो. ये लव्स मेरे लिए बहुत बहुत मैटर करते हैं. थैंक यू सो मच साइमा आंटी, आप मेरी टीचर है, मेरे लिए माँ की सजा है. और आई एम रियली 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 आई मीन इट, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. इसके बाद
लेट मी चेक प्यारे प्यारे ने हमेशा मेरी बहुत हेल्प की है और ये जो मेरा इतना बड़ा सफर था वो ऑब्वियसली एक बंदे का नहीं होता है, क्योंकि जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं वो पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल मेरी लाइफ में प्ले किया है, स्पेशली इज़ा, जोहा, जर्मीन एंड ऑल ऑफ यू, सब सुमल जो आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और मैं उन्हें बहुत मिस भी कर रही हूँ। आप सबने मुझे बहुत हेल्प किया है, जब जब मुझे कोई भी टॉपिक मुझे डिस्कस करना होता था या मुझे पब्लिक न्यूज चाहिए होते थे तो मैं स्टेटस अपडेट करती थी या इनको भेज देती थी, और मुझे इतने जबरदस्त आगे से मिलते थे सारे पॉइंट्स जिन्होंने मुझे स्पेशली उस सेमेस्टर में जो मैंने ऑनलाइन अटेम्प्ट किया है उसमें मुझे बहुत 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 हेल्प किया है। एंड सुनबल वाकई उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, इजन से और इनसे बात हुई थी, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग मेरे लिए बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हमेशा जब भी मिलते हैं तो बहुत प्यार से दिनेश बाजी, दिनेश बाजी, और हमेशा गले लगाना प्यार से, दैट इज रियली रियली गुड टॉक यू। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप लोगों से, थैंक यू सो मच। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोलमेट महक के बारे में अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि वो मेरी दोस्त है तो ये कहना बिल्कुल इनफ नहीं है, क्योंकि वो मेरी दोस्त बिल्कुल भी ऐसी नहीं कि सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त तो बहुत सारे बनाते हैं आप, लेकिन कुछ रिलेशन आपके ऐसे होते हैं, महक ये सही हुई मैं डांट भी सकती हूँ, कुछ रिलेशन आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन बेशक ना भी हो लेकिन आपका कनेक्शन उनसे ऐसा हो जाता है कि एक बात है ना कि जिससे सोल कनेक्ट करती है, मेरी एक्चुअली में सोल कनेक्ट करती है, वी आर सोल मेट्स। वाह, मैं की पार्टिसिपेशन मेरी पूरी जर्नी में इतनी जबरदस्त रही है, जब मुझे माँ की जरूरत होती थी तो ये मेरी मम्मा बन जाती, जब मुझे बहन की जरूरत होती है तो बहनों से बढ़कर होती है, और जब ऑफ कोर्स दोस्तों की जरूरत होती है किसी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड की तो सबसे पहले सबसे आगे मेरे सामने बैठ गई। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो भी तो पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है, इसको खुद ही पता चल जाता है, मेरे करने सुनाएंगे। ये मेरी सोलमेट है और मैं ये आप सबसे खुले आम कहती हूँ कि हमारा कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई हम इतने कोई बहुत सालों से भी कनेक्टेड नहीं है, बट हमने जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है हम सोलमेट एक दूसरे के बन चुके हैं। अब इससे अगर हमारी शोर चलते तो हम क्या करें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन खुशियों में शामिल होने के लिए, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच आप सबके लिए, बहुत शुक्रिया, और मुझे इसी तरह हमेशा दुआओं में याद रखना।